तेज भैया, तेज तेज भैया, भाभी तेज भैया कहाँ है? नहाने गए, ये काम था? नहीं मतलब है काम, लेकिन आपसे नहीं, नहीं मतलब काम उनसे है लेकिन आप ही करवा सकते हो भाभी। ऐसा क्या काम है? मुझे तेज भैया की बाइक चाहिए थी। अच्छा, सोनाक्षी के लिए मान गई वो? हाँ भाभी, मतलब बहुत मुश्किल से मानी है, और वो भी इस शर्त पे कि मुझे बाइक पे घुमाओ। तो प्रॉब्लम क्या है, तेज से बाइक मांग लो ना। भाभी आपको लगता है तेज भैया मुझे बाइक देंगे अगर मैं मांगूंगा? बोली भाभी, प्लीज भाभी मांगिए ना तेज भैया से बाइक। आप मांगेंगे तो भैया मना नहीं करेंगे ना। भाभी प्लीज। अच्छा बाबा, मांग लूंगी। यस, लेकिन भाभी गलती से भी तेज भैया को ये पता नहीं चलना चाहिए कि बाइक मुझे चाहिए और वो भी किस काम के लिए चाहिए। ओके, बता दूंगी भाभी। नहीं बताऊंगी। उस्ती, अरे बाप रे, ये झाड़ यहाँ क्या कर रहा है? मेरे कपड़े कहाँ? ये रे। थैंक यू। तेज तेज तेज, मैं ना सोच रही थी कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जाऊँ। वेरी गुड, जाओ। किसी ने रोका है? रोका नहीं है। मेरी वो फ्रेंड बहुत दूर रहती है। हाँ तो दूर जाओ। हाँ चली जाऊंगी, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी बाइक की जरूरत होगी। प्राचीन, प्राचीन मुझे तुम्हारी बाइक पे छोड़ आएगा वहां तक, है ना प्राचीन? अब भाभी अब चलिए ठीक है, अगर आप इतना करिए मना कैसे कर सकता हूँ। मैं छोड़ आऊंगा, कॉलेज लेट जाऊंगा, लेकिन आपको छोड़ के आऊंगा भाभी। हाँ स्वीट, नो प्रॉब्लम भाभी। नहीं प्रॉब्लम है, मेरी बाइक के साथ प्रॉब्लम है। मतलब ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बाइक चल नहीं सकती, लेकिन बारिश का मौसम है, कोई चांस लेने का क्या फायदा? बड़े दिन से सोच रहा हूँ ठीक कराने की, मौका नहीं मिला है। इसी चक्कर में मैं खुद भी लेके नहीं गया, और वैसे भी ऐसी हालत में मेरी बाइक कोई भी चला सकता है लेकिन ये नहीं चला सकता भैया। ये तो मुझे पूरा विश्वास है मेरी बाइक टूटी फूटी ही वापस आएगी। नहीं चाहिए आपकी बाइक। अरे इसे क्या हो गया? अच्छा सुनो, तुम एक काम करो ना, तुम टैक्सी से चले जाना। कहाँ? हैं? हाँ हाँ हाँ, चेंज कर लेता हूँ, चलता हूँ दादाजी। तेज, हाँ? तुम्हारी बाइक इतने दिन से खराब है, ठीक कराने का टाइम नहीं मिला तुम्हें? टाइम नहीं मिला ना टोस्टी, तुम्हें पता तो है सब कुछ, पिताजी है नहीं, वेद भैया बाहर है, सिर्फ पशु भैया हैं, मैं हूँ, और दो दुकानें संभालनी है, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं, बाइक कहाँ से ठीक करो। सही है सही है, तुम्हें जाना चाहिए वहाँ, पशु भैया अकेले दुकान संभालते हुए परेशान हो रहे होंगे। जाओ बाय। बाय। दादाजी, दादाजी क्या हुआ? एक प्रॉब्लम है। लगता तो नहीं कोई प्रॉब्लम हो, पर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिससे तू इतनी खुश हो रही है? जब से मुझे अपनी एक्सपायरी डेट के बारे में पता चला है ना, तब से जिंदगी की हर प्रॉब्लम बहुत छोटी लगती है। और किसी ने सही कहा है, हर प्रॉब्लम अपने आप में एक मौका होती है कुछ पाने का, कुछ हासिल करने का। अच्छा, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम ने किसका और कौन सा मौका दे दिया है? दादाजी, तेज की बाइक की प्रॉब्लम ने हमें मौका दिया है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने का। है? तेज और स्माइली दोनों की प्रॉब्लम का हल मिल गया क्योंकि तेज की बाइक में प्रॉब्लम है। बेटा या तो मेरी उम्र हो गई है या तो मुझ में इतनी समझ नहीं है कि तेरी बात मेरी समझ में आए। तू जो कुछ भी कह रही है मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। भला तेज की बाइक के खराब होने का और उन दोनों के प्रॉब्लम का क्या लेना देना? मैं समझाऊं आपको? दादाजी इधर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आपका घोड़ा जा रहा है। बेटा ये एक ऐसी गेम है जिसमें चित भी मैं हूँ और पट भी, मैं दोनों तरफ से खेल रहा हूँ, बाजी होगी तो मेरी होगी। ओह,
तो आप ये गेम अकेले ही खेलते हैं ताकि आपको हारने की फीलिंग ना हो। वाह दादाजी, सुपर हीरो हो आप तो। स्माइली, आप, तुझे बाइक चलानी आती है ना? सिर्फ चलानी? हाँ, दौड़ानी भी आती है। तो तुझे वो बाइक के पार्ट्स वार्ट्स के बारे में भी नॉलेज होगी है ना? A to Z, everything. अरे ये नाइस। वो तेज की ना बाइक खराब। ठीक करनी है क्या? समझो हो गई। डोंट वरी हाँ, रखिएगा है। बाहर करी। बढ़िया। थैंक यू स्माइली। हेलो, हाँ रावल भाई जी, सैंपल्स? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, जब देखने तब देख लीजिए। कब दिखाने बोली आज? अरे आज नहीं, अभी थोड़ी ही देर में मैं दुबई के लिए निकल रहा हूँ, तो आज ही सैंपल्स देखना बहुत जरूरी है। एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ तुरंत। जी 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 जी, मैं अभी निकलता हूँ सैंपल्स लेके। ओके। हाँ जी भैया, वो रावल भाई का फोन आया था। हाँ। दुबई जा रहे हैं तुरंत और वो सैंपल्स अभी के अभी देखना चाहते हैं। हाँ हाँ, तो तू जाना, लेके जा सैंपल, मैं यहाँ हूँ, संभाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलाता जाऊँ लेकिन अभी टैक्सी में तो बहुत ट्रैफिक मिलेगा। हाँ तो एक काम कर, सैंपल यहाँ से लेके जा और वहाँ घर जाके बाइक से सीधा आगे निकल जाना। हाँ हाँ ये ठीक रहेगा। बंसी सुनो यार, वो राहुल भाई के लिए सैंपल्स निकाले थे ना, जरा फटाफट दे दो और ये मैम को अटेंड करो ना। डॉक्टर साहब, मरीज की बीमारी कुछ समझ में आई? पेशेंट बहुत सीरियस है, दवा मैंने दे दी है लेकिन फिर भी सीनियर डॉक्टर्स को दिखाना ही होगा। सीनियर डॉक्टर? मैकेनिक यार, मुझे ये बाइक मैकेनिक के पास लेकर जानी पड़ेगी, लड़ू के पास तो टाइम होगा नहीं। लेकिन मैकेनिक कहाँ मिलेगा आपको पता है? ढूंढ लेंगे, वैसे भी ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं, तो मैकेनिक है यार। कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा। वैसे भी मैं मार्केट जा रहा हूँ घर का कुछ सामान लेने, तो आप मुझे मार्केट ड्रॉप कर देना और इसे मैकेनिक को दिखा देना। वेरी गुड, ये ले, अब वहाँ पीछे रखेंगे फटाफट। हाँ, वैसे तो ये सब सब्जी लाने का काम तो भैया का है, प्राचीन भैया का है, लेकिन अब वो कॉलेज गए तो मुझे ही करना पड़ रहा है। नहीं, जल्दी रख दिया। हाँ ये ये ये। आ जाओ भाई, इतनी देर से वेट कर रहा हूँ। ठीक, एक कॉम्प्लीमेंट्री फ्री है तो फिर ये मेरी नहीं है। सर आपकी है सर। मैंने ऑर्डर ही नहीं करी भाई, तो मेरी कैसी होगी? मैं गलत फहमी होगी, किसी और का ऑर्डर तो मेरे टेबल पे दे, मेरी नहीं है। नहीं सर, आपकी कॉफी है, वो मैडम ने आपके लिए ऑर्डर किया था। क्या कर रही है ये? हमेशा कॉफी शॉप में क्यों मिलती है? आज ये खत्म। बोल क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हें देखकर ऐसे लगता है कि शायद तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। ऐसे सूखे पेड़ की तरह झूल रहे हो। रिफ्रेश करने के लिए भेजे। तू क्या चाहती है, क्या कर रही है, क्यों फॉलो कर रही है मुझे, और बार बार तू मुझे कॉफी शॉप में क्यों मिलती है? अरे देख, कल तू आई थी, तुझे कितना सुनाया, कितना बोला, तेरा मन नहीं भरा, पेट नहीं भरा, तो फिर आ गई। अरे शर्म करना, मतलब लिख के दूं तुझे कि मुझसे दूर रह डिंपल? मैं तुझसे दूर ही बैठी थी, तू खुद चल के आया मेरे टेबल के पास। वैसे अब आ ही गए हो तो बैठो, शेयर करो क्या हुआ बता। शेयर करने से ना मन हल्का हो जाता है। क्यों शेयर करूं तुझसे मैं, क्यों करूं? अरे तेरे को देख के मेरा दिमाग खराब हो जाता है और अब और गुस्सा आ रहा है, मत खराब कर दिमाग। मैं एक दोस्त के नाते से बता रही थी। दोस्त? एक मिनट, तू मेरी दोस्त? देख सुन, दुनिया में आखिरी ऑप्शन होगा ना तब भी नहीं, और वैसे भी फिलहाल मुझे दोस्त की कोई जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले तेरे घर का दरवाजा खटखटाऊंगा। मेरे घर में बैल भी है। देख यार, तू दिमाग की मत हटाना, तू अपनी कॉफी लेके जा। बाइक कहाँ गई? प्राचीन, तो प्राचीन को तो मना किया था मैंने। अरे बाप रे बाप, कहीं चोरी तो नहीं हो गई?
इधर आ ज्ञान। नहीं भैया मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सब्जी लाने गया था। तेल लगाने गई तेरी सब्जी, मेरी बाइक कहाँ है? अच्छा बाइक, हाँ वो तो स्माइली दीदी लेके गई है। स्माइली, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, इस घर में कभी भी कुछ भी गलत होता है ना उसके पीछे एक ही इंसान होता है, स्माइली। अब क्या हो गया भैया? क्या हो गया, मुझे तुरंत अर्जेंटली कहीं पहुंचना था बाइक लेके। दुकान छोड़ के घर आया हूँ कि बाइक लेके निकलूंगा, यहाँ आके पता चलता है कि स्माइली दीदी बाइक लेके निकल गई। वाह, लेकिन भैया स्माइली दीदी बहुत अच्छी है। चुप कर, स्माइली दीदी बहुत अच्छी है, एक के बाद एक सब लोग रेल बना के खड़े हो गए उनकी तरफदारी करने में। स्माइली दीदी अच्छी है। अरे मैं क्या करूं, वही करना पड़ेगा जो नहीं करना चाहता था मैं। टैक्सियों में घूमना पड़ेगा, ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा। मिस्टर रावल को ये सैंपल दिखाने उनकी फ्लाइट है, उन्हें दुबई जाना है, अगर निकल गए ना तो ये सैंपल भी वेस्ट और मेहनत भी वेस्ट। अच्छा वो वही मिस्टर रावल है जो आए थे? चुप कर, बड़ा चतुर बन रहा है, मैं देख रहा हूँ, फिर आके देखता हूँ तुझे भी और तेरी स्माइली दीदी उसको भी। अब पता नहीं टैक्सी कहाँ मिलेगी, एक से एक हो तुम लोग। दादाजी ज्ञान भी सामान एकदम चुन चुन के लेके आता है। अच्छा दादाजी आदत हो गई ना। टोस्टी ये ले, तेरे सड़ू पति की बाइक एकदम ठीक कर दी मैंने, इनफैक्ट चकाचक कर दी। अरे तूने ठीक कर दी? ऑलमोस्ट, थोड़ी सी मैकेनिक की हेल्प लेनी पड़ी, लेकिन बाइक अब बिल्कुल मक्खन की तरह चल रही है। जब वो सड़ू बाइक चलाएगा ना तो उसके चेहरे पर स्माइल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। थैंक यू स्माइली। एनीथिंग फॉर यू माय डियर फ्रेंड। अच्छा सुन, पकड़ ये चाबी, तू खुद अपने हाथ से दियो तेज को, अच्छा लगेगा उसे। ओके मैं जरा हाथ साफ करके आ दियो। दादाजी देखा आपने, अब तो तेज स्माइली से खुश हो ही जाएगा। कितने टाइम से अपनी बाइक ठीक कराने की कोशिश कर रहा था लेकिन बेचारी को टाइम ही नहीं मिल पाया। अब जब उसे पता चलेगा कि उसकी बाइक ठीक हो गई है और वो भी स्माइली ने ठीक की है, उसे अपनी राय स्माइली के बारे में बदलनी ही पड़ेगी। आफ्टर ऑल स्माइली ने वो कर दिखाया जो टोस्टी नहीं कर पाई। क्यों? देखते हैं ऊंट अब किस करवट बैठता है। अरे भाई कहाँ पहुँचे? बहुत बहुत भारी जाम लगा हुआ है, मैं बस 5-10 मिनट में आपके पास पहुँचूंगा राहुल भाई, बस 5-10 मिनट और। अरे ये तुम पिछले एक घंटे से कह रहे हो, मुझे फ्लाइट पकड़नी है भाई। राहुल भाई, राहुल भाई मेरी बात सुनिए, मैं पहुँच रहा हूँ बस। तुम एक काम करो, रहने दो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। हेलो हॉर्न बजाइए, हॉर्न। Tangled means twisted together in an untidy way. अरे चीनू, क्या हो गया तेरा, इतना मूड क्यों खराब है? सोनाक्षी से झगड़ा करके आया है क्या? हाँ? एक तो पता नहीं चल रहा है बार बार डिंपल क्यों बीच में आ जाती है। जब जब मुझसे मिलती है जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करती है। अच्छा भला मैं खड़े होके सोनाक्षी का वेट कर रहा था और आ गई महारानी डिंपल, पता नहीं कहां से टपक पड़ी बीच में। ये हुआ पूरा कि सोनाक्षी भी आ गई, तो सोनाक्षी ने मुझे और डिंपल को बात करते हुए देख लिया, तो सोनाक्षी को लगता है डिंपल और मेरा चालू है, मतलब चक्कर चालू है, जो जैसा नहीं है। समझा समझा के थक गया कि सोनाक्षी जी ऐसा कुछ नहीं है, क्यों ऐसा, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको लगता है मैं उसके साथ टू टाइमिंग कर रहा हूँ। फिर तुम उसके पीछे गए, उसे मनाने की कोशिश की, उसे सॉरी भी बोला। नहीं मतलब मैंने सिर्फ उसे ये समझा दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये कोशिश करी उसे समझा दूं कि डिंपल और मेरे बीच में कुछ नहीं चल रहा। बस उसे सच बोल दिया ना? बस बहुत है, अब तुम उसे इग्नोर करो। मतलब देखो अगर वो तुम्हें सच्चा प्यार करती है तो वो खुद सामने से तुम्हें फोन करेगी, और अगर इतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है और उसका ईगो इतना बड़ा है तो छोड़ो ना यार, शहर में और भी लड़कियां हैं। मुझे पक्का मालूम है कि सोनाक्षी मुझे प्यार करती है, बट इसका डाउट है कि मुझे फोन करेगी। करेगी पक्का?
अब अगले 24 घंटे तक ना तुम उसे फोन करोगे, ना मैसेज करोगे और ना ही उसे मिलने जाओगे। दैट्स ओके? नहीं मतलब ओके, बट आपको पक्का मालूम है ना मुझे फोन करेगी? करेगी, नहीं तो शर्त लगा लो। नहीं नहीं भाई, नहीं भैया, मैं आपसे शर्त नहीं लगा सकता। अच्छा ये बताओ कि डिंपल है कौन सा? डिंपल है वो, डिंपल टोस्टी, टोस्टी चलो ये लो तुम्हारी बाइक की चाबी। टोस्टी, नाइली ने तुम्हारी बाइक ठीक कराई है। मुझे तो पता ही नहीं था कि स्माइली को बाइक भी ठीक करनी आती। अब तो थैंक यू बोलना बनता है। कितनी मदद की है इसने तुम्हारी। किसने कहा था इसे मेरी मदद करने के लिए? मैंने कहा था? नहीं ना। फिर तुम जानती हो दोस्ती आज क्या हुआ है? आज बहुत बड़ा नुकसान हो गया हमारा। एक बहुत बड़ी बिजनेस डील हमारे हाथ से निकल गई है। जानती हो किसकी वजह से? इसकी वजह से। अर्जेंटली कहीं पहुंचना था, बाइक की जरूरत थी। अगर बाइक होती तो कहीं से घुस घुसा के पहुंच जाता, लेकिन नहीं, बाइक नहीं थी क्योंकि इन्हें शौक चढ़ा था बाइक रिपेयर कराने का। मजबूरन टैक्सी में जाना पड़ा, ट्रैफिक में फंस गया, जहां पहुंचना था टाइम पे पहुंच नहीं पाया, जिसे निकलना था वो निकल गया, साथ में डील भी निकल गई। तुम्हें किसने कहा था मेरी बाइक को हाथ लगाने के लिए? तेज, तेज स्माइली की कोई गलती नहीं है, मैंने ही उसे कहा था। दोस्ती झूठ नहीं, झूठ मत बोलो। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं ये तुम्हारी पुरानी बीमारी है, सबका इल्जाम अपने सर पे लेके दुनिया को बचाने की। नहीं चलेगा। अरे मैं सच कह रही हूँ। एक मिनट एक मिनट, दोस्ती ने कहा या नहीं कहा that does not matter। मुझे नहीं पता था कि आपको बाइक इतनी अर्जेंटली चाहिए। मैं तो बस बाइक ठीक करना चाहती थी, इसलिए टोस्टी को बिना बताए ही ले गई। मेरी वजह से आपका इतना नुकसान हुआ है, आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। सच में आई एम वेरी वेरी सॉरी। अब सॉरी का क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया। पेज, पेज, तो अब गुस्सा करके भी क्या फायदा? जो हो गया सो हो गया ना। और नहीं तो क्या? एक तो बेचारी ने तुम्हारी मोटरसाइकिल ठीक की, उल्टा तुम उसी को डांट रहे हो। अरे उस बिचारी ने तो तुम्हारी मदद ही की है ना। एक बात आप लोग सब लोग कान खोल के सुन लीजिए, मुझे अगर मदद की जरूरत होगी तो मैं टोस्टी से कह दूंगा। वो है, वो कर देगी मेरी मदद। मुझे किसी और की मदद की जरूरत नहीं है उसके होते हुए। क्या क्या भाई, क्या क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हर किसी की प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम बन जाती है। इतना इंटरफेयर क्यों करती हो सबकी लाइफ में? क्यों अड़ंगी देती हो? किसी को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप ही हैं जिसे मुझसे प्रॉब्लम है। मैं जो भी करती हूँ आपको मैं हमेशा गलत ही लगती हूँ। अरे तो क्यों करती हो भाई? किसने कहा है तुम्हें करने के लिए? ये सब करके ना अपनी इन हरकतों से तुम इन सबका दिल जीत सकती हो, इन सबकी नजरों में अच्छी बन सकती हो, तो मेरी नहीं। एक मिनट, मुझे किसी के भी सामने अच्छे बनने की जरूरत नहीं है। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ और आगे भी ऐसी ही रहूंगी। फिर तो भगवान ही मालिक है, तुम्हारा भी और इनका भी। तेज बस भी करो, बात को यही खत्म करो। हाँ ठीक है भाभी। टोस्टी अपनी सहेली से कह दो कि आज के बाद मेरे रास्ते में नहीं आएगी। टोस्टी अपने पति से कह दो कि मुझे किसी के रास्ते में आने का कोई शौक नहीं है। बड़ा इंसान चाहे कुछ भी सोच ले, होता वही है जो होना होता है। जो उसने पहले से ही लिख रखा है। अगर भगवान ने मेरा और तेज का अलग होना लिखा है
तो उसे तेज और स्माइली का मिलना भी लिखना पड़ेगा। मैं तेज को अकेला नहीं छोड़ूंगी दादाजी, स्माइली और तेज की दोस्ती तो मैं करा के रहूंगी।